बिटिया पढ़ लिख कर सेना में भर्ती होना चाहती थी, देश की सेवा करना चाहती थी, परंतु दुर्भाग्य देखिए उसकी अस्मत लूटी गई और देश का शासन, प्रशासन, मीडिया, यहाँ तक कि जनता भी पूर्ण मनोयोग से उसके लिए न्याय की मांग नहीं कर रही। यशस्वी भारत सरकार का सबसे बड़ा नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी पढ़ने के लिए घर से बाहर क्या निकली, बच ही नहीं पाई। जल्लादों ने उसकी अस्मत ही लूट ली, और जिसकी अस्मत लूटी गई उसी का मानहनन हो रहा है, और उसके परिवारजनों को न्याय के लिए दर दर की ठोकर खाना पड़ रहा है। शासन प्रशासन मिलकर अपराधियों को प्रश्रय दे रहे हैं और उन्हें बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अमन सिंह राजपूत को यदि छोड़ दें तो दीपक यादव और निखिल कनौजिया दोनों ही जमानत पर बरी हो गए हैं, क्योंकि अमन सिंह आर्थिक रूप से इतने सशक्त घर का नहीं है और अन्य दो संपन्न घरों से ताल्लुक रखते हैं। इस कारण पुलिस प्रशासन ने घूस लेकर इन दोनों को जमानत पर बरी कर दिया है। पूरा प्रयास हो रहा है इनको बचाए जाने का। इतना ही नहीं, काजल बिटिया के परिवार का यहाँ तक कहना है कि इस मामले में 3 नहीं बल्कि 7 मुख्य अभियुक्त हैं और सबको बचाने का प्रयास शासन प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। आप भी सुनिए काजल बिटिया की छोटी सी बहन क्या कह रही है, कितना दर्द छुपा है इन नन्ही सी आंखों में। जिस छोटी सी उम्र में इस बच्ची को अपने कैरियर के विषय में सोचना चाहिए उसको दर दर की ठोकर खिलवा रहे हैं ये शासन प्रशासन, और फिर कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और हाँ, कहाँ है वो दयालु मीडिया जो निर्भया, दामिनी और हैदराबाद के रेप कांड के समय इतना सक्रिय था? क्यों काजल बिटिया के लिए इंसाफ नहीं मांग रहा? सुशांत सिंह के लिए सुबह से लेकर रात तक सरदर्द कर देने वाले ये भोंडे पत्रकार कहाँ हैं? बहुत साहस करके आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ दोस्तों, कहिए कि आप सब भी काजल बिटिया के साथ हैं। जब हम सब मिलकर एकता के साथ काजल बिटिया के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे तो एक दिन शासन प्रशासन को अवश्य ही झुकना पड़ेगा। स्मरण में रखिए, आज किसी की बेटी के साथ जुल्म हुआ है, कल को हमारी आपकी बेटी भी हो सकती है। यदि आज मौन रहे तो सारे जीवन मौन रहना पड़ेगा, और यही शिक्षा हम अपनी आने वाली पीढ़ी को भी देंगे कि मौन रहने में ही कल्याण है। और अगर बोल पड़े तो शासन प्रशासन को इनकी औकात दिखा देंगे कि क्या है लोकतंत्र की ताकत और इस देश पर असल में कौन राज करता है। भारत की हर माता, बहन, बेटी, बहू और इनको सम्मान की नज़र से देखने वाले हमारे भाई बंधुओं, एक हो जाइए और अपनी ताकत का एहसास करवाइए। आवाज उठाइए कि काजल पांडे के केस में सीबीआई जांच हो, सभी अपराधियों को फांसी हो। सिर्फ काजल ही नहीं, देश की हर बेटी मांगती है इंसाफ। बेटी बाद में पढ़ लेगी, पहले उसे बचाओ। वी वॉन्ट जस्टिस फॉर काजल पांडे। जय माँ भवानी।